गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का वेटिकन यूट्यूब चैनल पे। मैं अनिल पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से एक बार जुड़े और बताएं क्या आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। बच्चों जल्दी से एक बार कमेंट करें। 65 दिन 65 मैराथन में से आज हमारा कौन सा दिन है भाई? आज है हमारा यहाँ पे 61वां दिन, 61st डे है, 61वां दिन है बच्चों, जिसपे आज हम टाइम फ्री डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार आप जुड़ेंगे और बताएंगे। आवाज आ रही है सभी बच्चों को ठीक से? रोहित वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैचेज के बारे में बताऊंगा बच्चों। बैचेज की डिटेल अगर मैं आपको दूं तो सबसे पहले है सीईटी मेंस का बैच 2000, सीईटी मेंस का इंग्लिश स्पेशल बैच 23 मई से इस बैच में सिलेबस स्टार्ट हुआ है। 499 रुपए की फी है और 6 महीने की वैलिडिटी आपको इस बैच में मिलेगी। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो ऑडियो लेक्चर्स भी आपके इस बैच में रहने वाले हैं। तो इस बैच के साथ आप बच्चों जुड़ सकते हैं। ये बैच आपका बड़ा ही शानदार रहेगा इंग्लिश का सीईटी के लिए। उसके बाद है मैथ स्पेशल बैच। मैथ स्पेशल बैच से भी आप जुड़ सकते हैं बच्चों। हर टॉपिक के 1000 के आसपास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको इस बैच में करवाई जाने वाली है। 1499 रुपए का ये बैच है, बट अगर आप AN15 लगाते हो तो 15% का डिस्काउंट भी आपको बच्चों इस बैच में मिलेगा। फीस में भी आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस बैच को आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हो, मैथ स्पेशल है। उसके बाद संयम बैच आता है। संयम बैच हरियाणा सीईटी के लिए सबसे बेहतरीन बैच आपका रहने वाला है। सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे एक साथ आपको अच्छे टीचर्स के साथ मिलने वाले हैं। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1399 रुपए इसकी फी रखी है, बट इसमें AN15 अगर आप लगाते हो तो 15% का डिस्काउंट, 1 ईयर वैलिडिटी, पीडीएफ नोट्स, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स बच्चों आपको इस बैच में भी मिलने वाले हैं। तो ये बैच भी आपका बड़ा शानदार रहेगा। उसके बाद इंग्लिश स्पेशल बैच। इंग्लिश स्पेशल बैच से आप सीख पाएंगे किसी भी एग्जाम में इंग्लिश जो आती है उस इंग्लिश को कैसे आप कवरअप करेंगे, वो सारा इस बैच में आपका आ जाएगा। बेसिक से एडवांस इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एचएसएससी का, सभी एग्जाम्स की जर्नल इंग्लिश आपको इस बैच में सिखाई जाने वाली है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बैच आपका रहने वाला है। 1499 इसकी फी है, बट यहां भी AN15 आपका काम करने वाला है। तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो AN15 लगाकर आप 15% का डिस्काउंट ले सकते हैं बच्चों। उसके बाद जर्नल इंग्लिश बैच आता है, हर घर सर की इंग्लिश सुधारेंगे बैच, मतलब हर घर इंग्लिश बैच आप इसको कह सकते हैं। कोई भी किसी भी एज का स्टूडेंट इस बैच में ऐड हो सकता है, चाहे वो स्कूलिंग में है, चाहे वो हाउसवाइफ है, एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, या कोई भी स्टूडेंट इस बैच से जुड़ सकता है, जनरल इंग्लिश बैच से। इस बैच में 1499 रुपए की इसकी फी रहने वाली है बच्चों। तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद आता है लियो बैच। लियो बैच एसएससी स्पेशल बैच है। जो बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट अगर एक ही जगह पे अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लियो बैच में आपको मिलने वाले हैं। 2999 फी है, बट यहाँ पे भी AN15 लगाने से आपको मिलेंगे 15% का डिस्काउंट, 1 ईयर वैलिडिटी यहाँ पे है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो ऑडियो लेक्चर और टीचर्स तो आपको सबसे बेहतरीन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो इस बैच को भी बच्चों ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद नीडर बैच आता है। नीडर बैच दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है बच्चों। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं उन सभी के लिए ये स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है। 1799 इसकी फी है, बट AN15 कूपन कोड काम करेगा और AN15 कूपन कोड लगाओगे तो 15% का डिस्काउंट यहां भी आपको मिलेगा। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी बच्चों बैचेस की इंफॉर्मेशन। अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, कम इन, अमन शर्मा जी स्वागत है आपका। सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे सब ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
वेरी गुड बच्चों, पहला क्वेश्चन कल जो होमवर्क दिया था वो सवाल आपके सामने मैंने लगा दिया है, तो जरा पढ़िएगा इस सवाल को और बताइए क्या आंसर आएगा इसका, आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक हवाई जहाज को खराब मौसम के कारण धीरे उड़ना पड़ा, जिसके कारण उसकी औसत चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। अब यहां से हमें निकालना है आरंभिक चाल, तो कैसे आएगा ध्यान से सुनिए। कितने की स्पीड घटानी पड़ी, स्पीड घटानी पड़ी है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और आधा घंटा कम हो गया है भाई, आधा घंटा कम हो गया है। स्पीड अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटा घटाएगा तो इसका मतलब एक घंटा बढ़ जाएगा, 400 के लिए एक बढ़ जाएगा, और उसके बाद अगर 600 किलोमीटर प्रति घंटा से चले कम कर ले, अगर 600 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेगा तो डेढ़ घंटा लगेगा बच्चों। कितना लगेगा, डेढ़ घंटा, 800 में दो घंटे लगेंगे, लेकिन हमें तब तक लिखना है जब तक क्रॉस मल्टीप्लाई हमारी डिस्टेंस के बराबर नहीं आ जाती है। यहां पे आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई था 200, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कितना था, 200 था, इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आ रहा है बच्चों 600, इसका मतलब हमारा जो आंसर मिलेगा वो इनमें से है। अगर स्पीड घटाई गई है तो इसका मतलब आरंभिक चाल क्या थी, आरंभिक चाल ज्यादा थी, जो कि आपको यहाँ पे 600 दे रखी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किस ऑप्शन में भाई, डी ऑप्शन आप इस पे आंसर लगाएंगे, और आप बिल्कुल सही जवाब दिया कई सारे बच्चों ने। कल भी मैंने रात को जब हॉस्टल के टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो CHSL के एग्जाम में हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बड़े आराम से आप सीखो समझो और एग्जाम को पास करके आओ बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था जो कल मैंने एनालिसिस करवाया था रात को, जिस टाइम पे रात को क्लास होती थी, अब उस टाइम पे हॉस्टल वाले बच्चों की डाउट क्लास और एनालिसिस होता है, तो उसमें CHSL का था कल, उसका जो एनालिसिस हमने किया उसमें बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमें दे रखा था जिसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। बच्चा कह रहा है रिपीट करो, रिपीट कर देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। 200 किलोमीटर की स्पीड घटाने से आधा घंटा बढ़ गया है, 30 मिनट बढ़ गई है, 200 की स्पीड ने आधा घंटा बढ़ाया, 400 की स्पीड एक घंटा बढ़ाएगी, 600 की स्पीड डेढ़ घंटा बढ़ाएगी, आप ऐसे ही लिखते चलो, 800 की स्पीड दो घंटे, 1000 की स्पीड ढाई घंटे, ऐसे लिखते चले जाओ बच्चों, जब तक लिखोगे तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी ना आ जाए डिस्टेंस के, इन दोनों की गुणा 200 है, इन दोनों की गुणा भी 200 है, 400 और डेढ़ की गुणा करेंगे 600 आएगी, और 600 और एक की गुणा भी 600 आएगी, डिस्टेंस 600 है तो आंसर इनमें से है। अब स्पीड घटी हुई है तो इसका मतलब पहले ज्यादा थी, और ज्यादा थी तो कितनी थी भाई, ज्यादा थी तो 600 थी, क्या थी भाई, ज्यादा थी तो कितनी थी, 600 थी, ठीक है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ क्या आएगा। पढ़ो बच्चों, जल्दी से पढ़ो और साथ के साथ शेयर भी करो, शेयरिंग की संख्या बहुत ही कम है आप लोगों की, शेयर बहुत ही कम कर रहे हो बच्चों, कंटेंट आपको शानदार मिल रहा है, इस शानदार कंटेंट की कुछ तो कदर करो और दूर दूर तक अपने दोस्तों तक फैलाओ भाई क्लास को। बताओ, फॉर्मूले से किया था, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, और जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो बच्चों। गुड आफ्टरनून रूही, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, स्वागत है सभी बच्चों का, हार्दिक स्वागत है। दीक्षा जी, हरे कृष्णा, जय श्री राम। देखो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, एक विमान अपने गंतव्य से 1500 किलोमीटर की दूरी से एक निश्चित समय से 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है, 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है, 30 मिनट लेट उड़ा है भाई, और
समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल में 250 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है, तो विमान की आरंभिक चाल क्या है? अब ध्यान से सुनो, 250 की स्पीड क्या है भाई? 250 की स्पीड जो है, 250 की स्पीड आधे घंटे को कवर अप करेगी, आधे घंटे को कवर अप करेगी। 500 की स्पीड, 500 की स्पीड एक घंटे को कवर अप करेगी, ठीक है। 750 की स्पीड डेढ़ घंटे को कवर अप करेगी, और 1000 की स्पीड 2 घंटे को कवर अप करेगी। कितने? 2 घंटे को कवर अप करेगी। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें डिस्टेंस चाहिए 1500, इनकी गुणा तो 250 आ रही है भाई, है ना, इनकी गुणा 250 है, इनकी गुणा 750 है, और यहां पे जब हम गुणा कर रहे हैं तो ये गुणा आ रही है 1500। हमें गुणा कितनी चाहिए थी? 1500 ही तो चाहिए थी डिस्टेंस, 1500 चाहिए थी। तो यहां से स्पीड अब इस बार उसने बढ़ाई है, तो प्रारंभिक स्पीड जो रही है वो कम रही है, तो कम रही है तो कितनी रही है भाई? कम रही है तो 750 रही है। बी ऑप्शन आपका यहां से आंसर आ जाएगा, 20 बी ऑप्शन आंसर आएगा। प्रारंभिक स्पीड थी 750, अब की नई स्पीड है कितनी भाई? नई की स्पीड 1000 है, नई स्पीड बढ़ी हुई स्पीड 1000 है। 750 से 1000 हो गई है, 2 घंटे से 1.5 घंटे, आधा घंटा कवर अप हो गया, आधा घंटा कवर अप हो गया भाई, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी पढ़ो और आंसर बताओ क्या आएगा। वेरी गुड, जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ बच्चों क्या आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए जल्दी से। शाबाश, फार्मूले से कराना जी वो क्वेश्चन, फार्मूले से करेंगे तो इक्वेशन बनेगी भाई, इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को समझना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इक्वेशन में। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को फार्मूले से करना चाहते हैं, जैसे भाई कह रहा है कि सर फार्मूले से करा दो, फार्मूले से कैसे कराएंगे ध्यान से सुनो। पहले कितना है? 1500 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो 1500 है, तो यहां भी 1500 ही है। स्पीड पहले एस थी, अब स्पीड बढ़ा दी गई है, एस प्लस 250 हो गया है। इन दोनों में डिफरेंस है आधे घंटे का, 30 मिनट का, तो 30/60 क्या है? 30/60। फॉर्मूले से करना चाहते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, फॉर्मूले से अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी। देखो 30 से कट जाएगा, ये कितने पे? 2 पे। 1500 कॉमन आ जाएगा, 1500 कॉमन आएगा, और अंदर क्या है? एस इंटू एस प्लस 20, 250, एस प्लस 250 है, और ये हो जाएगा एस प्लस 250 माइनस में आ जाएगा एस, और बराबर है 1/2 के, ठीक है। 1/2 किसके आ जाएगा? 2 के आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये कैंसिल हो गया, इधर क्या आएगा? 1500 और 2 इधर आके गुणा होगा तो ये 500, और बराबर किसके है? एस इंटू एस प्लस 250 के। बेसिक से अगर आप करते हो, फार्मूला टाइप से आप करते हो तो ऐसे करना पड़ेगा, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पे हम ये कर सकते हैं, इसको 750 गुणा 2 करेंगे, 2 इसमें गुणा कर लो, 1000 हो गया, और बराबर है s इंटू एस प्लस 250। यहां पे भी अंतर 250 का है और यहां पे भी अंतर 250 का है, तो छोटी स्पीड छोटी है और बड़ी स्पीड बड़ी है, इसका मतलब s की वैल्यू 750 है और s प्लस 250 की वैल्यू क्या है? 1000। तो आंसर यहां से भी क्या आएगा भाई?
यहां से भी आपका आंसर 750 आएगा। यहां से भी आंसर क्या आएगा बच्चों, यहां से भी आपका आंसर 750 आ जाएगा। इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लग चुका है, जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी पढ़ो और आंसर बताओ बच्चों क्या आएगा। शाबाश। कल संडे को मैराथन क्लास रहेगी 10 बजे। कल संडे को 10 बजे मैराथन क्लास रहेगी बच्चों। पढ़ो जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। पढ़ो बच्चों, वेरी गुड। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ए अपनी गति को दोगुना कर लेता है, ए अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, डबल है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम तो आधा हो जाएगा ए का। कितना कम टाइम लग रहा है, एक। यहां से अगर हम देखें तो पहले बी से 2 घंटे ज्यादा लगते थे, दुगनी कर लेता है तो बी से 1 घंटा कम लगने लग जाता है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 घंटे का। एक की वैल्यू 3 घंटे है भाई, एक की वैल्यू 3 घंटे है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 6 घंटे। कितनी आ गई, 6 घंटे। अब 30 किलोमीटर की दूरी है, घंटे लगे हैं 6, तो कितना स्पीड से जा रहा है भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखा है डी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर आपका यहां पे डी ऑप्शन आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा डी ऑप्शन, डी आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर जी, ये आपका आंसर रहेगा। बड़ा ही आसान था, देखो जिसने चेंज किया है ना, चेंज किया है ए ने, तो ए की ही स्पीड लिख लो, ए ने चेंज किया है, अपनी स्पीड को डबल किया है। अगर ए की स्पीड 1 थी तो इसने 2 कर ली है, ये स्पीड का रेशियो है, इसका पलट देंगे तो 2:1 आ जाएगा टाइम का रेशियो। 2:1 क्या आ जाएगा बच्चों, 2:1 आएगा टाइम का रेशियो। इसका कितना टाइम कम हो गया है, 1 यूनिट, और घंटे में जहां 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो 3 घंटे का डिफरेंस आया है। 1 की वैल्यू 3 घंटे है तो 2 की वैल्यू 6 घंटे, टोटल 30 किलोमीटर 6 घंटे में कवर कर रहा है ए, तो स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या आएगी भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ऑप्शन से अगर हम करना चाहें तो, अगर अगर ए की स्पीड 6 है तो 5 घंटे में जाता है, बी 2 घंटे कम लेगा तो बी लेगा 3 घंटे, बी कितने घंटे लेगा भाई, बी लेगा 3 घंटे, तो बी का समय तो 3 घंटे है, ठीक है। लेकिन अगर अपनी स्पीड डबल कर लेगा तो 30/12 हो जाएगा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2.5 घंटे। क्या इससे 1 घंटा कम है, 1 घंटा तो कम नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर अगर बी की ए की स्पीड 10 है तो 3 घंटे में जाता है, तो बी तो 1 ही घंटे में जाएगा, 2 घंटे कम लेगा ना, 2 घंटे कम लेगा बी से। अब अगर अगर ये अपनी स्पीड को डबल कर लेगा तो 20 कर लेगा, ये पहुंचेगा 1.5 घंटे में, क्या इससे कम है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद 8 तो 30 को भाग करता ही नहीं है, तो 8 वाला तो हम वैसे ही कैंसल मान लेते हैं। 30 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे में पहुंचेगा, और 20 से 2 घंटे कम लेगा तो 4 घंटे में पहुंचेगा। अब अगर ये अपनी स्पीड डबल कर ले
डबल कर लेगा तो 5 से 10 कर लेगा, कितने घंटे में पहुंच रहा है, 3 घंटे में। कितना कम है, 1 घंटा कम है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर है। तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है, बिना ऑप्शन के भी किया जा सकता है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों में से कोई भी लगा दो आंसर सही आएगा, आंसर आपका सही आएगा। चलो अगला सवाल पढ़ो और शेयर भी करो बच्चों, शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं आप सभी। क्लास को शेयर नहीं किया जा रहा है बच्चों, शेयर करो, शेयर करें बच्चे। शाबाश, पढ़ो, वेरी गुड। ए और बी पी से क्यू की ओर 12 और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, बी ए से 39 मिनट बाद निकलता है और ए से 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। 39 मिनट बाद निकलता है और 21 मिनट पहले पहुंच जाता है, पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है। ए और बी, ए की चाल 12 है तो बी की चाल 18 है, यह है स्पीड। टाइम का रेशियो देखें तो 18-12 आ जाएगा, या 3-2 भी कह सकते हैं हम, 3 और 2 में अंतर है 1 का, और 1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे 39 मिनट बाद चला और 21 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब कितना टाइम, कितना टाइम, 39 मिनट बाद चला 21 मिनट पहले चल पहुंच गया, तो 60 मिनट का गैप आ रहा है, 60 मिनट का, 60 मिनट को 1 घंटा भी कह सकते हैं आप, 1 की वैल्यू 1 घंटा है तो 3 की वैल्यू 3 घंटे हो जाएगा और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। तो हम यहां से अगर देखें, डिस्टेंस अगर देखें, 12 की स्पीड है 3 घंटे हैं, 12 की स्पीड है और 3 घंटे हैं, तो डिस्टेंस आएगी 36 किलोमीटर की। डिस्टेंस क्या आएगी भाई, 36 किलोमीटर की आ जाएगी, ये आपको दे रखी है डी ऑप्शन में, तो इस सवाल का आंसर भी डी ऑप्शन रहेगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी डी ऑप्शन रहेगा, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, पढ़ो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताओ क्या आंसर दोगे अगले सवाल का। पढ़ो बच्चों, वेरी गुड, 30 आएगा इसका, 30 मिनट्स। देखो क्या दे रखा है, अपनी सामान्य चाल की 4/3 से चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब सामान्य चाल 3 है तो अब 4 से पहुंच रहा है, 4 से चल रहा है, सामान्य चाल की 4/3 से चलकर, दस मिनट देरी से पहुंचता है, सामान्य चाल की 3/4 से चलकर, तो 4/3 हो जाएगा, देरी से नहीं आएगा, पहले आएगा, यहां पे पहले आएगा, या फिर 3/4 लेना पड़ेगा, पहले आएगा,
या फिर 3/4 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, डिफरेंस कितना है एक का, और एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू 10 मिनट है। एक की वैल्यू 10 मिनट है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 मिनट, और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 मिनट। ठीक है, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 मिनट। तो सामान्य समय अगर हम देखें तो सामान्य समय वैसे तो 30 मिनट होना चाहिए, क्योंकि अब जब पहुंचा है तो 10 मिनट लेट पहुंचा है। ठीक है, या इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये देरी से नहीं पहले आएगा, यहां पे ये देरी से नहीं आएगा, पहले आएगा, बिफोर। दस मिनट जल्दी आएगा, जल्दी से पहुंचता है, लेट नहीं है, अर्ली है, 10 मिनट पहले है। अर्ली आएगा यहां पे, अर्ली। ठीक है, हाँ ऐसे हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाता है। तो पहुंचने का समय, पहुंचने का वास्तविक समय अब आएगा कितना भाई, अब आएगा 40 मिनट। पहुंचने का वास्तविक समय अब आ जाएगा कितना, अब आ जाएगा आपका 40 मिनट। ठीक है, हाँ 3/4 नहीं, 4/3 भी हो सकता है, पर अर्ली आएगा, फिर जल्दी आएगा, लेट नहीं, जल्दी आएगा, फिर तो जल्दी समझना है हमें। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने है, पढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया है, नमस्कार भाई राहुल जी, नमस्कार, वेरी गुड, पढ़ो, बहुत बढ़िया, और शेयर भी करो साथ साथ। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, नमस्कार जी, नमस्कार लव दलाल जी, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। साठ किलोमीटर आएगा इसमें, पढ़ो, वेरी गुड, शाबाश। एक रेल 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है, रेल कार से 20% अधिक तेज चलती है, तेज है, लेकिन रेल 12.5 मिनट के विश्राम के कारण दोनों स्टेशन पर एक साथ पहुंचती हैं, तो रेल और कार की चाल क्या है, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, हमें क्या दे रखा है, ट्रेन और एक कार है, रेल कार से 20% अधिक तेज है, ट्रेन कार से 20% ज्यादा तेज है, 20%, 20% का मतलब है 1/5, कार 5 है तो ट्रेन 6 है, ये स्पीड है। टाइम अगर हम देखें तो टाइम 5-6 हो जाएगा, 5-6 हो जाएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है, एक, और एक की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 12.5 मिनट, एक की वैल्यू 12.5 मिनट है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 62.5 मिनट हो जाएगी, और 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 75 मिनट्स। ठीक है,
ये क्या आएगा भाई 75 मिनट्स। डिस्टेंस कितना है 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर 62.5 की स्पीड से जाएगा, तो और मिनट है तो 62.5 मिनट में जाएगा, मिनट है तो ऊपर 60 चला जाएगा और डेसिमल के लिए एक जीरो आ जाएगी। इसको कैंसिल करते हैं, 25 से जाएगा 30 पे, 25 से जाएगा 25 पे, 5 से 5 है और 5 से 12 है, 5 से कितना है 6, 12 गुणा 6 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी किसकी चाल, ट्रेन की चाल। 6 की वैल्यू 72 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 6 की वैल्यू 72 है तो 5 की वैल्यू 60, या 75 किलोमीटर 75 मिनट है तो ऊपर चला जाएगा 60, कैंसिल करने पर यह आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से 72 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा। 72 और 60 कहां दे रखा है, 72 और 60 यहां पे दे रखा है भाई, ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे कर पाओगे, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। रेल और कार की, हाँ ऑप्शन उल्टे हैं, 72 और 60 आएगा आंसर, 72 और 60 आएगा आंसर, वैसे तो 72 और 60 आएगा आंसर, ऑप्शन उल्टे दे रखे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। 72 और 60 आपका आंसर बच्चों यहां से आ जाएगा, इस तरीके से कर पाओगे आप इसको, आसान है अगर आप ध्यान से करते हो तो, क्वेश्चन बड़े मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है भाई, आसान है, ठीक है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चोर पुलिस का हिसाब किताब करते हैं भाई, पढ़ो जल्दी से। पढ़िए जल्दी से, शाबाश, जल्दी पढ़ो भाई। आएगा देखो, एक पुलिस ने चोर को 200 मीटर दूर देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिस और चोर दोनों की गति 12 और 10 है। गिरफ्तार होने से पहले चोर कितनी दूरी भागेगा ये हमें निकालना है। दूरी तो 200 है भाई, दूरी कितनी है दोनों में, 200 मीटर है तो किलोमीटर बनाओ, और स्पीड क्या हो जाएगी 2, और गुणा कर दो चोर की स्पीड से। ये डिस्टेंस आएगी किसमें, किलोमीटर में, ये डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों किसमें, ये डिस्टेंस आ जाएगी किलोमीटर में, 1 किलोमीटर। मीटर बनाओगे तो कितने आएंगे भाई, 1000 मीटर आएंगे, तो इसका मतलब पकड़े जाने से पहले चोर भागा है पूरा 1000 मीटर, पकड़े जाने से पहले चोर भागा है पूरा 1000 मीटर, 1000 मीटर ये आपका आंसर आएगा। ध्यान से सुनो, 200 मीटर आगे है चोर, चोर और पुलिस सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो दोनों की स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 2। दूरी है 200 मीटर, स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके किलोमीटर बनाएंगे तो बटे 1000, 2 से भाग किया तो ये आ गया वो समय, जितने समय में चोर पकड़ा गया, चोर की स्पीड 10 थी, गुणा कर दिया तो कितनी दूरी भागा है, 1 किलोमीटर भागा है, मतलब 1000 मीटर भागा है भाई। आंसर आपका डी ऑप्शन एकदम सही, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है भाई।
चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो और बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप और जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा। करो बच्चों जल्दी करो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ो जल्दी से ही और बताओ क्या आंसर दोगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बताओ बच्चों ये YouTube पे पढ़ो बच्चों, जल्दी करो, जल्दी आंसर करो। बताओ क्या आएगा, 120 आएगा। देखो एक व्यक्ति की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, हर 24 मिनट बाद वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो बताइए उसकी चाल में वो उसे ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं और 24 मिनट तक चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा भाई, 24 मिनट है तो दूरी तय करेगा कितना, 36 किलोमीटर। पहली 24 मिनट में 36 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर कम होगी तो 85, फिर 24 मिनट तक चलेगा 60 नीचे आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 12 से जाएगा 5 पे और 12 से जाएगा 2 पे, 5 से जाएगा 17 पे, ये हो जाएगा 34 किलोमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 34 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर 80 की स्पीड से जा रहा है, 24 मिनट में 60 नीचे आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 32, मतलब हर 24 मिनट में 2-2 किलोमीटर कम होती जाएगी डिस्टेंस, हर 24 मिनट में 2-2 किलोमीटर कम होती चली जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। कम होती चली जाएगी। अब यहां से अगर हम देखें तो पहले 36 किलोमीटर गया, फिर 34 जाएगा, फिर 32 जाएगा, उसके बाद 30 जाएगा, फिर 28 जाएगा, जोड़ के देखते हैं भाई क्या 160 बनेगा। 6 और 4 10, 8 और 2 10 और 10 20 हो गया, 20 के आगे 0, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16, पूरा हो गया ना 160। अब ध्यान से देखो 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट तो 24 गुणा में कितना आएगा भाई, 24 गुणा में 5 कितने मिनट हो जाएंगी, 120 मिनट हो जाएंगी। तो आंसर हमारा क्या आएगा भाई, आंसर आएगा 120 मिनट। आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 120 मिनट, ये आपका आंसर रहेगा। विनोद जी चोर जो है यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 200 मीटर पहले से ही आगे खड़ा है, वो भागा नहीं है, पहले ही आगे खड़ा है, एक साथ थोड़ी ना दौड़ना चालू किया दोनों ने एक जगह से, चोर तो पहले ही 200 मीटर आगे है तो पुलिस वाला भागेगा 1200 मीटर। तो विनोद कुमार जी पुलिस वाला भागेगा 1200 किलोमीटर, तो चोर पहले से 200 आगे खड़ा है, अब पुलिस वाले ने 200 ये और 1000 आगे, 1200 जो आप बता रहे हो ना वो किसका आएगा, वो पुलिस वाले का आएगा, ठीक है। इस सवाल को ऐसे कर सकते हो बच्चों,
इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, आंसर बताओ अगले सवाल का क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया। बच्चों क्या शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, शेयर करना तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, शेयरिंग तो बनती है भाई, शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर कर दो सारे के सारे। पढ़िए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन ही नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए हैं क्लास लगाने के लिए। हर एक टाइप के 20 क्वेश्चन करा दें, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही नहीं मिलते। अच्छा देखो भाई, ए 20 से दुगुना तेज है और बी सी से तीन गुना तेज है। ए बी और सी की अगर हम बात करते हैं तो सी एक है तो बी तीन है और ए है छह। ये स्पीड है बच्चों, टाइम का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो इनका एलसीएम ले लो, छह आ गया। छह को छह से भाग करो, छह को तीन से भाग करो और छह को एक से भाग करो, ये आ जाएगा टाइम का रेशियो। सी एक दूरी तय करने में 42 मिनट लेता है, छह की वैल्यू 42 मिनट है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो तय करने में एक कितना समय लेगा, एक कितना समय लेगा, तो ए तय करने में कितना समय लेगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 7 मिनट, तो ए का समय हो जाएगा कितना भाई, ए का समय हो जाएगा 7 मिनट, यहां पे ए आएगा तो ए तय करने में कितना समय लेगा, ए तय करने में कितना समय लेगा, ए तय करने में 7 मिनट लेगा, कितना भाई 7 मिनट का समय लेगा ए पूरी दूरी को तय करने में। अगला क्वेश्चन पढ़ो, आपके सामने है, बताओ जल्दी से क्या आएगा। पढ़ो। नमस्कार भाई राहुल जी, नमस्कार, राम राम, सारे बच्चों का स्वागत है। लेट जुड़ते हो बच्चों, लेट जुड़ते हो, और यहाँ पे आप देखोगे तो 2:30 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है बच्चों, 2:30 बजे पहुंच जाया करो सारे बच्चे मिलकर, है ना। हाँ पढ़ो, शाबाश। बहुत बढ़िया पढ़ाते हो गुरुजी, धन्यवाद भाई सुरेश जी।
पहली बार क्लास ली है। डेली 2:30 बजे आते हैं भाई, डेली 2:30 बजे आप क्लास लगा सकते हो बच्चों। और अभी ये 65 दिन 65 मैराथन एक बार खत्म हो जाएगा ना, फिर एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के लिए स्पेशल, ठीक है, एक स्पेशल सीरीज लेके आएंगे और उसमें शानदार क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे बच्चों, शानदार क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। सर जी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को पीट पीट कर अपने माइंड में सेट कर लिया है मैंने, ठीक है अमन, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। देखो तो विपरीत दिशा से चलती रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड में और 17 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है। ए ने पार किया 27 सेकंड में, बी ने पार किया 17 सेकंड में। अब सवाल ये है, आगे है, एक दूसरे को 23 सेकंड में, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर रही हैं, तो एलिगेशन लगेगा यहां से, तो एलिगेशन लगेगा तो इधर आएगा 6 और इधर आ जाएगा 4, कैंसल करोगे 3, यहां पे आएगा 2, तो स्पीड का रेशियो रहेगा बच्चों 3:2, सी ऑप्शन 3:2 का रेशियो रहेगा, 3:2 का रेशियो रहेगा बच्चों। एलिगेशन लगा सकते हो, एक गाड़ी ने एक आदमी को पार किया 27 सेकंड में, दूसरी गाड़ी ने विपरीत दिशा से आते हुए 17 सेकंड में, और दोनों एक दूसरे को पार करके चली गई हैं 23 सेकंड में, मतलब पहली गाड़ी का समय है 27 और दूसरी गाड़ी का है 17 और आपस का समय कितना है 23, बीच में रखो और एलिगेशन लगा के रेशियो निकाल लो भाई। रेशियो जो आएगा वो चाल का आएगा, टाइम के रेशियो पे एलिगेशन लगाया तो चाल आएगी, और चाल के चाल पे एलिगेशन लगाओगे तो टाइम आएगा, ठीक है। तो यहां से आपने लगाया है समय पे तो रेशियो आएगा चाल का। पढ़ो अगला क्वेश्चन, इससे पहले ये बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे पहले, वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया, पढ़ो बच्चों जल्दी से पढ़ो, और जिन बच्चों ने लाइक शेयर नहीं किया है लाइक शेयर भी करो। बताओ बच्चों क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। देखो एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है, खरगोश की हर 7 छलांग पर वह 6 छलांग लगाता है, एक तो डॉग है और एक रैबिट है, रैबिट की 7 छलांग पर कुत्ता 6 छलांग लगाता है, आगे क्या दे रखा है, कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है, ये हमें दे रखा है, हमें इनकी स्पीड का रेशियो चाहिए, तो क्या करो इस वैल्यू को उठाओ और इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ भाई, है ना,
तो डॉग और रैबिट की स्पीड का जो रेशियो आएगा वो आएगा 36:35। ये स्पीड का रेशियो है, डॉग और रैबिट की चाल का अनुपात 36:35 आएगा, ए ऑप्शन 36:35। ठीक है, 36:35 ये आपका आंसर आ जाएगा, 36:35 ये आपका आंसर आएगा बच्चों, ऐसे कर पाओगे आप इसको। ठीक है, ऐसे कर पाएंगे बच्चों आप इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आज का हमारा लास्ट सवाल, और कल हम बच्चों मिलेंगे 10 बजे, कल 10 बजे मैराथन आने वाली है बच्चों, कल 10 बजे मैराथन आने वाली है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, मैराथन आने वाली है बच्चों कल 10 बजे, और 10 बजे मैराथन आएगी, 10 बजे आएगी मैराथन क्लास, है ना। ये अभी दिखा देता हूं मैं आपको, कल 10 बजे आने वाली है मैराथन क्लास। देखो ये क्लास आएगी बच्चों 10 बजे, कल 10 बजे ये मैराथन क्लास आएगी, और सारे के सारे बच्चे अभी जाके यहाँ पे अपना ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि किसी बच्चे का ना छूटे। मैराथन क्लास आने वाली है, मेंसुरेशन पे मैराथन क्लास आने वाली है, 18 घंटे बचे हुए हैं, और लगभग 4 घंटे के आसपास की ये क्लास रहने वाली है, 4 घंटे, 4 से 5 घंटे के बीच में हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे इस सेशन से जुड़ेंगे कल सुबह 10 बजे, 10 बजे कल सुबह 10 बजे बच्चों इस सेशन से आप जुड़ने वाले हो, लगातार 10 बजे। अभी जब ये क्लास ऑफ हो जाए तो जाके इस सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, ताकि कल की क्लास यहीं से हो। ठीक है, कल सारे बच्चे यहीं पे क्लास लगाएं। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं बच्चों, बाकी हम कल मिलते हैं, और कल मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चों, घर से करना है आपने इस सवाल को, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में डाल देना, कैसा रहा आज का सेशन, सारे क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए, सारे के सारे एक बार बच्चे कमेंट्स पक्का करना बच्चों। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे।